दिल्ली कश्मीरी गेट इलाके में सोमवार शाम करीब 5:30 बजे 3 मंजिला इमारत धराशाही हो गई। इसमें मौके पर अफरा तफरी मच गई। करीब 12 लोगों को मलबे से निकाला गया, जिसमें 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद से ही राहत बचाव का कार्य पूरी रात चला। दिल्ली के कश्मीरी गेट में कल शाम के समय तकरीबन 5 से 5:30 बजे का समय था, तब एक बिल्डिंग गिर गई और बिल्डिंग के पास ही हम मौजूद है जहां पर बिल्डिंग गिरी। आप देख सकते हैं अभी भी यहां पर राहत बचाव का कार्य जारी है। तकरीबन 12 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है। यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी इस साइड दुकानें बताई जा रही थी जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर दुकानें थी, ट्रांसपोर्ट का सामान बिका करता था यहां से। और ये जो सामने आप देख रहे हैं बिल्डिंग थी, जो 3 मंजिला बिल्डिंग थी जिसमें बेसमेंट भी था, जो गिर चुका है। आप देख सकते हैं दोनों साइड में दुकानें थी और यहाँ पे बिल्डिंग बनाई जा रही थी। तकरीबन जो स्थानीय लोगों से जो जानकारी मिली, और आपको बता दें कि तकरीबन 1.5 महीने में ये बिल्डिंग तैयार की गई। हर 15 से 16 दिन ऐसे लोगों का कहना है कि इस बिल्डिंग में छज्जे डलते थे। और आप सरियों को देख सकते हैं, ईंटों को देख सकते हैं, अभी भी ईंट जो है नए नज़र आ रहे हैं। यानी कि बिल्डिंग जो है हालिया में तैयार की गई थी, बिल्डिंग ज़्यादा पुरानी नहीं थी, ये इस बात का सबूत है। और यहाँ से तकरीबन 10 से 12 लोगों को निकाला गया है जो जख्मी थे, जिसमें से 3 लोगों को ट्रामा सेंटर कश्मीरी गेट में भर्ती किया गया है, जिनकी हालत काफी ज्यादा नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार 1.5 महीने के अंदर ही बेसमेंट से ही 3 मंजिला इमारत तैयार कर दी गई। इमारत के मलबे को देखकर ये लगता है कि पूरा मकान अभी अभी तैयार किया गया है। ईंटों से लेकर सरिया तक अभी भी नए और साफ दिख रहे हैं। ऐसे में पुलिस मामले की जांच में लगी है कि इमारत के निर्माण के लिए परमिशन ली गई थी या नहीं। फिलहाल पुलिस बिल्डर्स से संपर्क करने का प्रयास कर रही है और बिल्डर्स भी फरार है। बिल्डर्स का नाम गुरुचरण बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार जहां बिल्डिंग बनाई जा रही थी वहां पहले लोग छप्पर डालकर रहते थे, बाद में बिल्डरों ने उन्हें वहां से हटा दिया और इमारत को तैयार करने लगे। करीब 200 गज में इस प्लॉट को तैयार किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजीत सिंह, टोटल टीवी, दिल्ली।